क्वेश्चन नंबर 144 सुखपुर सिंह जौनपुरिया जी, 144 माननीय मंत्री जी तल पर रखा है, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर में अगर सुबह 4 बजे देखें माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी यूथ आज भी इतना पसीना निकालता है सिर्फ सेना की भर्ती के लिए, अगर 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो तो भी इतनी मेहनत करता है जिसको हद नहीं। मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि 12 नवंबर 2020 को भी मैंने पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान में युवाओं के लिए सेना की खुली भर्ती की जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया और मेरे को आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द सेना की खुली भर्ती का आयोजन करवाता हूँ। माननीय मंत्री जी का मैं आदेश के आते मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक, सीकर और जयपुर में 8 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 2021 को सेना की खुली भर्ती का आयोजन किया गया जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 17,000 नौजवानों ने फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में परीक्षा पास कर ली। युवाओं की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उनकी रिटर्न परीक्षा हो तो उनका कहीं ना कहीं नंबर आ जाए और वो सेना में भर्ती हो जाए। माननीय मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय सेना का जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है वो सबको मालूम है। देश भर में अलग अलग जगह में इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। आर्मी आप फिर जवाब दे, सर इसको थोड़ा रुकाइए, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आपका, सर आप, सर आप बोलें। सर मैं आपका इजाजत से, सर आपके नहीं सर, क्योंकि सर ये एक वरिष्ठ सांसद है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। पहले भी बोल चुके हैं, पहले विदेश राज्य मंत्री बोल रहे थे तो कहा कि कैबिनेट क्यों नहीं है। स्वागत, एक मिनट स्वागत जी, आप भी एक जमाने में राज्य मंत्री रहे हैं, हम भी राज्य मंत्री रहे हैं, तब भी हम लोगों ने कैबिनेट का जवाब देते थे। अभी जब राज्य मंत्री जवाब दिया तब आपने ये जो भाषा यूज किया वो ठीक नहीं है। और ये डिफेंस मंत्री का जगह में नोबडी शुड डिमिनिश द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और सर ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। नो अभी मैं डिफेंस मिनिस्टर के बिहाफ में जवाब देता हूँ, ये कैबिनेट का कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सवाल कैसे कर सकते हैं इस पर, ये ठीक नहीं। That is why, आप जवाब दीजिए। नहीं सर इसको प्लेज माने मेंबर, अच्छा क्या इसको बिठा के तो सर राजस्थान से बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट रैली हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और माननीय सदस्य हमारे साथी राजस्थान से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने सही कहा कि राजस्थान से काफ़ी मात्रा में रैली में भाग लिया। और जब 47 रैलीज कंडक्ट किया गया देश भर में उसमें कोविड का सिचुएशन आ गई जुलाई के महीने में गंभीर रूप से, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रोक दिया गया है और ये परमानेंट रुका नहीं है सर, क्योंकि अभी भी कोविड का नया वेरिएंट का इस देश में प्रकोप है तो इसमें कुछ इसको विलंब हो रहा है, वो कारण सबको मालूम है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ इस सदन को कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं, बाकी जो फाइनल जो होगा वो फाइनल रिटेन टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहावत कहते हैं, मैं दानिश अली जी और स्वागत राय जी की बात कहना चाहता हूँ। आपके तो सवाल आप, मेरा आप जवाब मंत्री दे रहा, हाँ। अब वो तो मैं कह नहीं सकता आप, सब तो यहाँ पर बीच में आपको कहाँ से परेशानी हो रही है समझ में नहीं आ रही बात। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है आप इधर कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है कि अभी कोविड में वाकई डिले है लेकिन कोविड होने के नाते और बहुत सी भर्तियाँ चालू हैं, तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो रिटर्न टेस्ट कराए जाए ताकि वहाँ के बच्चों को मौका मिले और टोंक और सवाईमाधोपुर के बच्चों को अलग से भर्ती का मौका मिले। धन्यवाद, जय हिंद। पहले भी आश्वासन दिया, अभी सेना के अधिकारियों से डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल सबसे बात करके ये जानकारी मैंने प्राप्त किया है और जितना जल्दी हो सके ये जो रिक्रूटमेंट का हाफ वे में जो अधूरा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ माननीय सदस्य को।